अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जाओगे खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में 4 फीट की डिश पर ए स्पोर्ट्स की सेटिंग करके आपको दिखानी है, क्योंकि अक्सर हमारे सब्सक्राइबर को PSL देखने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि 4 फीट की डिश पर ए स्पोर्ट्स काफ़ी सारे व्यूअर्स के पास नहीं चल रहा। तो उनकी भी काफ़ी फरमाइशें आ रही थी कि हमें 4 फीट पर ए स्पोर्ट्स सेट करके दिखाएँ। तो आज की वीडियो में फिर आपको 4 फीट की डिश पर ए स्पोर्ट्स सेट करके दिखाऊंगा, और इस सिलसिले में अगर कोई टिप्स वगैरह हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि उन टिप्स पर आप अमल करके अपनी 4 फीट पर ए स्पोर्ट्स सेट कर सकते हैं। तो ये मेरी 4 फीट की डिश, मैं तो सबसे पहले PTV स्पोर्ट्स को सेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी मतलब कोई वीक TP होती है तो वो मैं सेट करता हूँ। तो मैं तो, और ये देखें सी बैंड वाली LNB भी मैं इस पोजीशन में रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त मेरे पास PTV स्पोर्ट्स वाली TP लगी हुई है और डिश ऐसे फ्री है, ठीक है। तो PTV स्पोर्ट्स वाली TP लगा के मैं तो इसकी करता हूँ सेटिंग। तो देखते हैं, तो ये देखें मेरे पास PTV स्पोर्ट्स का सिग्नल रिसीव हो चुका। तो ये देखें PTV स्पोर्ट्स वाली TP है ये, और इसका 92 सिग्नल है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेट करता हूँ, और ये LNB पोजीशन देखें आप। तो इसके बाद फिर चेक करते हैं कि ए स्पोर्ट्स वाली TP हमारे पास रिसीव हो रही है नहीं हो रही। तो ए स्पोर्ट्स वाली TP भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए स्पोर्ट्स वाली TP कौन सी है। तो ए स्पोर्ट्स वाली TP है जी ये वाली, 31, 41, 32, ये देखें 41, 32 और 41, 66, ये इसका सिंबल लाइट है। और आप देख रहे हैं कि अभी तक इसका सिग्नल मेरे पास नहीं है। तो PTV स्पोर्ट्स के आपने देखे हैं कि 92 सिग्नल है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि PTV स्पोर्ट्स वाले जो सिग्नल हैं उनको मैं मैक्सिमम करता हूँ, ठीक है। जब उसको हम मैक्सिमम करते हैं तो काफ़ी सारी बहरहाल उम्मीद होती है कि हमारे पास ए स्पोर्ट्स का भी सिग्नल रिसीव तकरीबन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसका मैं सिग्नल मैक्सिमम करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये 92 है, तो देखते हैं कि इसको कोई 93 या 94 तक ये जाता है या नहीं जाता। सिग्नल किस तरह बढ़ाना है कि ये जो आपकी LNB है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, अंदर करें, ठीक है। ये देखें मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, और चेक करते हैं कि सिग्नल तो अभी भी वही है, 92 है। और यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर ये देखे मैं देखता हूँ कि तो यहाँ पर सिग्नल स्टेबल है। इससे पहले था ये था कि सिग्नल हमारे पास 92 था, ठीक है, 92 था, लेकिन मैं ऐसे हाथ देता था तो सिग्नल नहीं था। अभी ये देखे मैंने हाथ रखा हुआ है और डिश के भी काफ़ी सारे आगे हूँ, और फिर भी सिग्नल मेरे पास 92 है। तो इसका मतलब है कि अभी इसका PTV स्पोर्ट्स का सिग्नल बिल्कुल स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं कौन सा ए स्पोर्ट्स वाली TP, ठीक है। ए स्पोर्ट्स वाली TP को अभी मैं दोबारा से चेक करने लगा हूँ, ये देखें। तो आप PTV ए स्पोर्ट्स का सिग्नल मेरे पास आ चुका है, तो ए स्पोर्ट्स का सिग्नल मेरे पास आ चुका है, मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें ये ए स्पोर्ट्स वाली, ये ए स्पोर्ट्स वाली TP है, 41, 32 और 41, 66, ठीक है। ये इसका सिंबल रेट है, और ये मैं आपको सिग्नल भी इसका चेक करा देता हूँ। ये देखें मैं डिश के आगे से गुजरा हूँ, तो
फिर सिग्नल ख़त्म हो गया। तो ये देखें, ये मैं इसके आगे हाथ दे रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि सिग्नल नहीं है। तो ये मैंने हाथ हटाया, ठीक हो गया, और सिग्नल मेरे पास दोबारा से आ चुका है। तो इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि ए स्पोर्ट्स चलता भी है या नहीं चलता। ठीक है, इसको मैं करने लगा हूँ सर्च, ये मैनुअल सर्च और ये स्टार्ट। तो ए स्पोर्ट्स मेरे पास ये सर्च में आ गया है और देखते हैं कि चल, हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास ये चल भी रहा है। ये इसका सिग्नल देख लें आप, 85 सिग्नल है, ठीक है, और ए स्पोर्ट्स हमारे पास बिल्कुल ओके चल रहा है। और अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं कि जी कौन सी टिप्स हैं जिन पर आप अमल करके फिर ये ए स्पोर्ट्स को आप चला सकते हैं, तो वो टिप्स मैं आपके साथ फिर शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह मैंने अक्सर वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि आपके पास डिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, डिश आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिस डिश आपकी न्यू होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा पुरानी डिश हो गई तो फिर भी ये इसका सिग्नल रिसीव इतने जल्दी नहीं होगा। तो इसके बाद जो टिप्स है तो वो आप ये देखें कि मैंने यहाँ से ये प्लेट काटी हुई है, ठीक है, तो आप भी अगर ये प्लेट यहाँ से या ऊपर से भी अगर आप ये जितनी जगह ये मतलब है ना, तो ये भी थोड़ा बहुत सिग्नल को ये ब्लॉक करती है, ठीक है। अगर ये हो सके आपको कि सिर्फ ये जहाँ पे ये नट लगते हैं ये सिर्फ ये जगह छोड़ दें, बाकी आप काट दें, ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिग्नल मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है जी LNB पोजीशन, आप ये LNB पोजीशन रखें, ठीक है, और फिर ये है कि मैंने तो इसको रखा हुआ है जी 40 नंबर पे, ठीक है, बाकी ये हर डिश का अपना फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेट होती है ना, तो ये फिर सिग्नल को ब्लॉक करती है, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये वाली अगर आप लगा लेना तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये इस पे आप ये जो ये स्टिक्स हैं, ये सिर्फ स्टिक्स लगा सकते हैं, बाकी ब्लॉक करने के लिए इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत हैं टिप्स हैं, ठीक है, डिश आपकी अच्छी हो, आपके पास LNB अच्छी हो, ठीक है, और प्लेट आप थोड़ी बहुत यहाँ से काट सकते हैं। इसके अलावा फिर ये है कि आपकी सेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आगे का एरिया भी ये देखें, ठीक है, मेरा यहाँ पे लग रहा है पाक सेट, ठीक है, आगे का एरिया भी आपका फिर आगे मतलब क्लियर होना चाहिए, तो फिर भी आप अच्छे से अच्छा सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं टिप्स, ठीक है, इन टिप्स पर आप अमल करके फिर बेस्ट से बेस्ट सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो ये फिर आज की वीडियो है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी करें, शुक्रिया।